नमस्कार, डी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज से दो दिन बाद रत्नावली महोत्सव शुरू होने जा रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, जिसका हम सभी को खास तौर पर इंतजार रहता है। इस बार क्या कुछ खास होने वाला है रत्नावली महोत्सव में, वो हम जानेंगे यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर महासिंह पुनिया जी से। आइए मिलते हैं महासिंह पुनिया जी से। तो सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि रत्नावली महोत्सव जल्द शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं इस महोत्सव को लेकर? बहुत सारी तैयारियां रत्नावली महोत्सव की चल रही हैं। माननीय कुलपति जी प्रोफेसर सोमनाथ एस देवा जी के नेतृत्व में हम निरंतर पिछले 10 दिन से जो है तैयारियों में लगे हुए हैं, और 28 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग होने जा रही है। और इसमें 3000 से ज्यादा जो कलाकार हैं वो इसमें भाग लेंगे, और इसके साथ ही 6 से ज्यादा मंचों पर हमारी प्रस्तुतियां होंगी। और इसमें पहली बार हरियाणवी रत्नावली सांग का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें पहली बार लूर जो नृत्य है हरियाणा का, जो समाप्त हो गया था, उसको हमने पुनर्जीवित किया है, और पहली बार वो प्रतियोगिता के रूप में शामिल हो रहा है। और इसके साथ ही पहली बार हरियाणवी गंगा और शिव स्तुति यहाँ पर आयोजित की जा रही है, और पहली बार विदेश का डेलीगेशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया का डेलीगेशन इसमें भाग लेने के लिए आ रहा है। हमारा एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी जिन ऑस्ट्रेलिया के साथ है, MOU है, उनका पूरा डेलीगेशन 6-7 लोग वो पहुंच रहे हैं, और उनकी टीम की यहाँ पर प्रस्तुति भी है। और इसके साथ ही पहली बार हरियाणवी बैंड जो है वो इस मंच पर यहाँ पर प्रस्तुत होगा। और इसके साथ ही बहुत सारी मतलब महान हस्तियां इसमें शामिल होने जा रही है। पहली बार कोई 95 वर्षीय कलाकार जो है इस रत्नावली का उद्घाटन कर रहा है, जो राष्ट्रपति से सम्मानित है, सारंगी वादक है, बहुत ही हरियाणा के जो मामन खान, वही इसके मुख्य अतिथि है, वही इसका उद्घाटन जो है करेंगे जी। तो सर, रत्नावली महोत्सव में सेलिब्रिटीज हर बार आती हैं, तो इस बार सेलिब्रिटी कौन कौन होगी? अब की बार भी हमने मतलब प्रयास किया है, पाताल लोक और बहुत सारी फिल्मों में काम करने वाला जयदीप अहलावत वो 28 तारीख को आ रहे हैं, और इसके साथ ही 150 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले सुधीर पांडे जी वो 30 तारीख को आ रहे हैं, महाभारत में युधिष्ठिर और अनेक फिल्मों में काम करने वाले गजेंद्र चौहान वो 31 तारीख को आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो फिल्मी सितारे हैं वो भी हरियाणवी तड़के में शामिल हो रहे हैं जी। सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा प्रयास किया जाता है हर साल हरियाणवी संस्कृति को बचाने का, तो मैं जानना चाहूंगी कि कितना सफल हो पाता है इसमें? वो बहुत सफल हो रहा है। देखिए, पहली बार ही विदेशों में भी लाइव जा रहा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UK में भी लाइव रहेगा मतलब हमारी रत्नावली। और इसके साथ ही हमारा ये प्रयास है कि बच्चे हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, इसके लिए हस्तशिल्प मेला जो है बार है वो लगाया जा रहा है, 55 स्टॉल है, उसके माध्यम से पूरा एक गांव का परिदृश्य जो तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे गुड़ का हलवा है, गन्ने के रस की खीर है, गुलगुले हैं, पूड़े हैं, सुहाड़ी है और खीर जलेबी है, मतलब हरियाणवी जो खान पान है, बाजरे की खिचड़ी है, हरा साग है, बाजरे की रोटी है। तो हमारा ये प्रयास है कि जो खान पान हरियाणवी वो भी जो है युवा पीढ़ी उसका भी आनंद ले, और हमारे होनहार जो बच्चे हैं, विशेष करके फाइन आर्ट के जो बच्चे हैं, उन्होंने अपने हाथ से जो चीजें बनाई है वो भी यहाँ पर 40 के करीब जो स्टॉल है वो भी लगाने जा रहे हैं, और एक चित्रकला कार्यशाला है वो भी आयोजित होने जा रही है, और पगड़ी बंधवाओ फोटो खिंचवाओ वो भी यहाँ पर आयोजित रहेगा, कोई भी साथी, इस तरह के बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। और पहली बार मतलब इतना उत्साह बच्चों में देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी बहुत उत्साह रहा है लेकिन अब की बार विशेष है जी। तो सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि 1500 साल पुरानी हर्षवर्धन जी द्वारा रत्नावली लिखी गई थी, अब उसको हरियाणवी भाषा में उसका सांग प्रस्तुत किया जा रहा है जी, जी। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये क्या है? देखिए, ये उसमें महाराजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी जो नाटक रत्नावली था उसका हिंदी हमने रूपांतरण किया, हिंदी रूपांतरण के बाद उसका हरियाणवी रूपांतरण किया, हरियाणवी रूपांतरण के बाद हमने उसका हरियाणवी सांग में रूपांतरण किया, और पिछले 20 दिन से जो सूरज बेदी और उसकी पूरी टीम उस सांग की तैयारी जो है करने लग रही है। और रत्नावली के मंच पर नामकरण तो इसका 2006 में हुआ था रत्नावली, लेकिन रत्नावली जो सांग है वो 17 साल बाद पहली बार यहाँ पर मंच पर आयोजित होगा, और इस रत्नावली की शुरुआत रत्नावली सांग से ही होगी जी। तो सर, रत्नावली काफी सालों से चलता आ रहा है, तो
मैं जानना चाहूंगी उन कलाकारों के बारे में जो रत्नावली से निकलकर हमारे सामने आए हैं, जो हरियाणवी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें आप बहुत सारे कलाकार हैं। वैसे तो यशपाल शर्मा भी मतलब इसी मंच की देन है, मेघना मलिक भी इसी मंच की देन है, और मैं भी इसी मंच की देन हूँ, अनूप लाठर जी भी इसी मंच की देन है, जगवीर राठी भी इसी मंच की देन है, महावीर गुड्डू भी इसी मंच की देन है, और बहुत सारे ऐसे होनहार कलाकार हैं जो पूरे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है वो रत्नावली के मंच से होकर के। और बहुत से आजकल तो जो नए बच्चे हैं जो फिल्में बना रहे हैं और इस तरीके के जो फिल्मों के सेट बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो कलाकार हैं जिनके नाम भी नहीं लिए जा सकते, लेकिन वो भी मतलब रत्नावली का हिस्सा रहे हैं और उनमें भी बड़ी उत्सुकता है रत्नावली के प्रति। इसीलिए रत्नावली का जो आगाज है अब की बार पूरे उत्साह के साथ, रत्नावली जो टीम है 150 से ज्यादा लड़के और लड़कियां पूरी इसकी व्यवस्था को देख रहे हैं, वही मंच संचालन करेंगे, वही जो है मतलब हॉस्पिटलिटी, वही जो है रिसीव करेंगे चीफ गेस्ट को, वही सारी व्यवस्था वही कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए रत्नावली किसी कार्यशाला से कम नहीं है। ललित कला विभाग के, मास कम्युनिकेशन के और यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए रत्नावली एक कार्यशाला है। तो युवाओं के लिए मैं जानना चाहूंगी कि युवाओं का कितना रुझान है हरियाणा संस्कृति के प्रति? युवाओं का बहुत अच्छा रुझान है। आप देखना यहाँ अभी 4 दिन तक जो धमाल आप देखोगे उसमें बंचारी नृत्य के साथ हरियाणवी महिलाएं गीत गाती हुई आपको मिलेंगी। हमारे जो 16 संस्कार है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी वो गीत है वो सुनाएंगी और उसके साथ आनंद लेते हुए। हमारा यही उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी के साथ जुड़ करके और अपनी संस्कृति को ग्रहण करे, तो इसी उद्देश्य के लिए रत्नावली का आयोजन किया जा रहा है। और बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह है, इससे बड़ा उत्साह क्या हो सकता है कि हमने रत्नावली टीम के सदस्यों की सूची मांगी और हमें 150 बच्चे चाहिए थे और उसमें हमारे पास 700 बच्चे जो उसमें भाग लेने के लिए आए, हमें बड़ी मुश्किल से उनको छांट करके 150 किया क्योंकि इतनी संख्या में अव्यवस्था हो जाती है। तो इसलिए बच्चों का उत्साह रत्नावली के प्रति साल भर इंतजार करते हैं और विशेष उत्साह देखने को मिलता है। और अब की बार यहाँ पर हरियाणवी जो रागनी है उसमें प्रीति चौधरी, बाली शर्मा, रणवीर जो है बड़वासनिया, ये सारे गायक आएंगे और हम हरियाणा की जो समाप्त होती रागनी की गायकी है उसमें हमारी 35 से ज्यादा जो शैलियां हैं जैसे उसमें आला है, बहरी तबील है और सोहनी है, दौड़ है, तो आपका थानेश्री चमोल्ला है, पानीपति चमोल्ला है और इस तरीके से हाथरसी चमोल्ला है, तो बहुत सारी ऐसी जो गायकी जो समाप्त हो गई है तो उस गायकी को भी रत्नावली में मंच दिया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी अपनी जो हरियाणा की पुरानी गायकी थी यानी कि रागनी, राग पर आधारित गाए जाने वाली मतलब गाना, उसको हम रागनी बोलते थे, तो वो परंपरा सारी यहां देखने को मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो रत्नावली महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति सभ्यता का महाकुंभ लगने वाला है। बिल्कुल लगने वाला है और भाई सारा ना जोड़कर लौटता है, जरूर आइयो और रत्नावली के रंग में रंग करके हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए आ गए, सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर महासिंह पुनिया जी। तो 2 दिन बाद से जो है रत्नावली महोत्सव शुरू होने वाला है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, पूरे हरियाणा से आप यहाँ पर पहुंचिएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइएगा और हरियाणवी संस्कृति का हिस्सा जरूर बनिएगा। यहाँ पर आएंगे आपको आदर सत्कार मिलेगा, अपनी हरियाणवी संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलेगा, तो पहुंचिएगा जरूर 28 अक्टूबर को। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज और इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो मैसेज है सभी के बीच में पहुंच सके।